जी 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 बहुत बढ़िया। विवेक जी नमस्कार, जयेश पटेल जी नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। बढ़िया सर, बढ़िया। वेरी गुड सर, वेरी गुड। गुड इवनिंग। कोड अभी जनरेट नहीं हुआ। हाँ सर, कुछ जी कुछ आ जाएगा सर। अभी आप लोगों के साथ के कुछ कोड आए हैं, गुड इवनिंग, जैसे गजानन जी के आए हैं, पंकज जी के आए हैं, नगीन जी के आए हैं, तो आ जाएगा सर, आपका भी आ जाएगा। नीरज जी नमस्कार, नीरज बंसल जी, कैसे हैं आप? जी जयेश पटेल जी, पॉसिबल है तो वीडियो ऑन कर बढ़िया लीजिए। सर। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग, सब बढ़िया हैं, ठीक चल रहे हैं सब। ओके, आज हम लोग बहुत स्पेशल प्लान के ऊपर बात करेंगे। प्लान का नाम है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, और ऐसा प्लान मार्केट में किसी भी कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है। अगर इस प्लान में थोड़ी सी आप लोग अपनी R&D बढ़ा लेंगे, नॉलेज बढ़ा लेंगे, तो आपको किसी से साथ भी जब आप कंपैरिजन के लिए बैठेंगे तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि इस प्लान के अंदर ऐसे स्पेशल फीचर्स हैं जो जेन्युइनली आपको किसी भी कंपनी के अंदर नहीं मिलेंगे। मैं सभी का वीडियो म्यूट कर रहा हूँ, ऑडियो म्यूट कर रहा हूँ। जिसको भी कोई भी कंसर्न है, कुछ भी पूछना है, बात करना है, अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। बिल्कुल कोई भी इशू नहीं आएगा काम करने में और समझने में। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, पेन पेपर लेके बैठिए, और कोई भी चीज़ आपको ऐसा लगती है जो नहीं समझ में आ रही है, आप उसको दोबारा पूछ लीजिए। आई विल अवेलेबल एंड आपको प्रॉपरली गाइड करूंगा। जहां पर भी आपको कोई इशू आएगा, एक एक चीज प्रॉपरली क्लियर करूंगा। तो प्लान का नाम नोट कर लीजिए, स्टार कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। और ये प्लान थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट के लिए है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्लान है। जो अच्छी चीज होंगी वो भी आपको साथ साथ बताऊंगा, जो खराब चीज होगी वो भी साथ साथ बताऊंगा, क्योंकि हमें दोनों चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। हमारा पर्पस है लोगों को जेन्युइनली गाइड करना, बिना झूठ बिना सच के। वो सब चीज़ें नहीं करनी कि जो मार्केट में लोग झूठ सच बेचते हैं, हमें वो चीज़ें बतानी है जो एक्चुअल है और फैक्ट है। तो उसमें अगर काम करेंगे तो लॉन्ग रन आप चल पाएंगे, और लॉन्ग रन सही तरीके से चीज़ें चलेंगी। तो इसमें काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो लोग LIC से जुड़े हुए हैं, जो लोग किसी ना किसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े हुए हैं, और कुछ फ्रेशर्स भी हैं। तो दोनों के लिए मैं इजी कोशिश करूंगा समझने और समझाने की। कुछ चैट में कुछ लिख रहे हैं, एक बार देख लेता हूँ। ओके गजानन जी, ठीक है, थैंक यू। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक बार प्लीज देख के बताइए आप सभी को स्क्रीन प्रॉपरली नजर आ रही है या नहीं। सभी को स्क्रीन नजर आ रही है? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए स्क्रीन थोड़ी सी मैंने बड़ी कर ली है, अभी कुछ ब्लैकआउट हो रखा होगा। हाँ सर, क्लियर है। क्लियर वीडियो भी नजर आ रही है सबको? अभी वीडियो नहीं, कर्सर दिख रहा है सर आपका। वीडियो तो नहीं, अभी दिख रही अभी है, हो रहा है। हाँ क्लियर है ओके। सर। ठीक है सर, तो मीटिंग शुरू करने से पहले इसलिए पीछे पूछ रहा हूँ ताकि फिर मैं स्टार्ट होने के बाद ये ना लगे कि ये चीज नहीं क्लियर हो रही। तो अभी हम प्लान के ऊपर आ रहे हैं सीधा सीधा, स्टार कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। और सबसे पहले हम USP के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे जो USP है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने ध्यान देना है कि USP बहुत जबरदस्त है किसी भी कंपनी के मुकाबले में। यहाँ पर ऐसी चीजें हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी, जैसे पर्सनल एक्सीडेंट कवर है इस पॉलिसी के अंदर इनबिल्ट। जो भी प्रपोजर होगा उसके लिए जितने लाख का वो सम एश्योर्ड ले रहा है, अगर वो पर्सन 10 लाख का पॉलिसी ले रहा है तो 10 लाख का एक्सीडेंटल इनबिल्ट कवरेज है इस पॉलिसी के अंदर। दूसरी USP है मैटरनिटी एक्सपेंसेस। इस पॉलिसी के अंदर न्यू बॉर्न बेबी के साथ कवर है, मैटरनिटी एक्सपेंसेस भी कवर है और न्यू बॉर्न बेबी भी कवर है। इसके लिमिट्स क्या है वो मैं आगे चल के बताऊंगा, पहले आपको मेन मेन चीजें साथ साथ बता रहा हूँ। इसी पॉलिसी के अंदर आउट पेशेंट कंसल्टेशन भी कवर है, OPD जिसे बोलते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको OPD प्लान कवरेज वाला प्लान चाहिए, तो हमारे प्लान में OPD भी कवर है। और OPD हमारी आईज और डेंटल के लिए भी इस पॉलिसी के अंदर कवर है। बेरिएटिक सर्जरी कवर है, ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन कवर्ड है। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन का मतलब होता है 10 लाख के साथ 10 लाख का इंश्योरेंस फ्री, 5 के साथ 5 फ्री, और 50 लाख का पॉलिसी लिया है तो 50 लाख के साथ 50 लाख का इंश्योरेंस फ्री। नो क्लेम बोनस मार्केट में इतना बड़ा और इतना अच्छा किसी भी कंपनी के पास नहीं है जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, वो भी बताऊंगा अभी आगे चल के। और एवरी ईयर हेल्थ चेकअप पॉलिसी में अवेलेबल है, इनबिल्ट हॉस्पिटल कैश अवेलेबल है, प्लस स्टार वेलनेस प्रोग्राम है जिससे आप प्रीमियम में डिस्काउंट ले सकते हैं, और ऑप्शनल कवर है जो सबसे लेटेस्ट है, बायबैक ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डिसीज। अगर किसी को पहले से कोई पुरानी बीमारी है तो उसका नॉर्मली 3 साल का वेटिंग पीरियड होता है,
आप उस वेटिंग पीरियड को कम कराना चाहते हैं तो 12 महीने करवा सकते हैं। ये फीचर भी इस पॉलिसी में आपको इनबिल्ट मिलेगा। ये सारी चीजें डिटेल में आपको आगे डिस्क्लोज करूंगा, लेकिन इसमें से अगर आपने 4-5 पॉइंट्स भी अच्छे से मेमोराइज कर लिए तो आप लोगों के लिए ना बहुत यूजफुल हो जाएगा कि ये चीजें हम कस्टमर से डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आपको न्यू कपल्स मिलेंगे जो मैटरनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्थ इंश्योरेंस जुड़ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो एक्सीडेंटल कवर भी इनबिल्ट चाहते हैं, कुछ लोग एक्स्ट्रा फैटी लोग होंगे जो बैरियाटिक सर्जरी कराते हैं जिनका फैट बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा फैटी लोग होते हैं जिनका बीएमआई 35-36 से ऊपर जा रहा होता है। जो लोग एलआईसी के लोग हैं वो लोग समझ रहे होंगे बीएमआई का क्या मतलब होता है, बॉडी मास इंडेक्स। नॉर्मल बीएमआई अगर रहता है तो कहीं पे भी कोई भी पॉलिसी इजीली इशू हो जाती है, लेकिन कई बार बीएमआई ज्यादा होने की वजह से पॉलिसीज नहीं मिलती हैं, चाहे वो हेल्थ की हो लाइफ की हो। ठीक है, अब हम लोग मेन प्लान के ऊपर बात करेंगे। तो पहले 3 यूनिवर्सल रूल आप समझ लीजिए, क्योंकि इस अभी जो आज का जो सेशन है इसमें कुछ लोग बिल्कुल न्यू हैं हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट को लेके, तो 3 यूनिवर्सल रूल पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 3 यूनिवर्सल रूल होते हैं, जब भी आप किसी भी कंपनी का पॉलिसी लें तो 24 घंटे हॉस्पिटलाइजेशन होना जरूरी होता है, बिना 24 घंटे एडमिट के कोई भी कंपनी क्लेम पास नहीं करती है, किसी भी तरीके का क्लेम पास नहीं होता है। फर्स्ट बेसिक कंडीशन इज 24 आवर हॉस्पिटलाइजेशन, एंड सेकंड कंडीशन है आज पॉलिसी ली है तो फर्स्ट 30 डेज वेटिंग पीरियड होना चाहिए, 30 दिन तक वो पॉलिसी काम नहीं करेगी, 30 दिन के बाद ही काम करेगी। और तीसरा एट लास्ट नॉट लीस्ट, एक्सीडेंट की वजह से कोई जरूरत पड़ेगी तो डे 1 से कवर होगा, उसमें 24 घंटे एडमिट होने की जरूरत भी नहीं होगी, चाहे बाथरूम में पैर स्लिप हो, सीढ़ियों से गिरे हो, किसी भी टाइप का रोड एक्सीडेंट हो, किसी भी तरह का कोई भी लड़ाई झगड़ा हो, एवरीथिंग आपका कवर्ड होगा। यहां तक तीनों चीजें समझ में आ रही हैं आप सभी को कि 3 यूनिवर्सल रूल, 24 घंटे, 30 डेज और एक्सीडेंट डे 1 से कवर, ये सभी पॉलिसीज में एज इट इज काम करेगा। और कोरोना हमारी पॉलिसी में कवर्ड है 15 दिन के बाद से ही, जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं हमारी स्टार हेल्थ की, सभी पॉलिसी में 15 दिन के बाद से ही कोरोना कवर्ड है। अब हम लोग मेन प्लान के ऊपर आते हैं, प्लान के ऊपर डिस्कस करते हैं। ये अम्ब्रेला कवर है, इसमें इंडिविजुअल पॉलिसी भी दी जा सकती है और फैमिली फ्लोटर ऑप्शन भी दिया जा सकता है फैमिली के लिए भी। फैमिली में कौन लोग आते हैं, हस्बैंड वाइफ और बच्चे। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड वाइफ और पेरेंट्स को भी आप एक ही पॉलिसी में डाल लें, या हस्बैंड वाइफ और बच्चे हैं उनके साथ आप अपने भाई बहन को भी पॉलिसी में डाल लें, ऐसा नहीं कर सकते। सर स्क्रीन में कुछ नहीं आ रहा है, सर स्क्रीन में कुछ नहीं आ रहा है। ओके नहीं सर, एक बार स्टॉप शेयरिंग करके दोबारा कर लेते हैं। सर अभी मैंने कोई स्क्रीन शेयरिंग नहीं कर रखी है, अब दोबारा स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ, एक बार चेक कीजिए आपको नजर आ रहा है क्या। हाँ हाँ आ रहा है अभी। अब सब क्लियर है, सभी को आ रहा है नजर? हाँ अभी बराबर है, बराबर है। तो मैं म्यूट कर रहा हूँ सर सबको, ताकि पीछे से किसी को वाइब्रेशन ना आए। म्यूट है सर, सारे लोग म्यूट है, दैट्स गुड सर। तो हम लोग बात कर रहे हैं, ये अपने आप में यूनिक पॉलिसी है और यहाँ इंडिविजुअल ऑप्शन भी मिलेगा और फैमिली फ्लोटर ऑप्शन भी मिलेगा। यहाँ पर फैमिली के अंदर जो लोग कवर्ड होंगे, हस्बैंड वाइफ और बच्चे, ये एक फैमिली होती है। अगर हस्बैंड के साथ उसका भाई है या बहन है आप पॉलिसी में लेना चाहते हैं तो नहीं ले सकते, उनको आपको अलग पॉलिसी देनी होगी। या हस्बैंड वाइफ के साथ पेरेंट्स को लेना चाहें, हस्बैंड के पेरेंट्स या वाइफ के पेरेंट्स, नहीं ले सकते हैं, उनके लिए सेपरेट पॉलिसी लेनी पड़ेगी। मैं समझा पा रहा हूँ यहाँ अपने आपको, चीजें क्लियर हैं। और इंडिविजुअल कोई पर्सन पॉलिसी लेना चाहे, कोई भी एक पर्सन, तो उसको भी हम पॉलिसी दे सकते हैं। यहाँ 1 साल और 2 साल के लिए ऑप्शन पॉलिसी में अवेलेबल है। नेक्स्ट, एंट्री एज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैक्सिमम फैमिली साइज समझ लीजिए, 2 adults 3 child एक पॉलिसी में मैक्सिमम कंसिडर किए जा सकते हैं, हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे एक पॉलिसी में लिए जा सकते हैं। और एडल्ट्स की बात करें तो 18 से 65 साल तक का कोई भी पर्सन पॉलिसी ले सकता है। चाइल्ड एज की बात करेंगे तो 91 डेज से लेके 25 इयर्स तक, जो ऊपर हमने फैमिली फ्लोटर डिस्कस किया, इसके अंदर बच्चा कंटिन्यू रह सकता है। मान लीजिए हस्बैंड वाइफ 40 साल के हैं, बच्चे दो हैं, एक 6 साल का और एक 2 साल का, तो हम कंबाइंड पॉलिसी उनको दे सकते हैं फैमिली फ्लोटर। मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, हस्बैंड वाइफ है जिनकी एज, एक की एज 59 ईयर्स है, दूसरे की 55 साल है, और एक बेटा है 27 साल का, दूसरा बेटा है 21 साल का, तो हम एक बेटे को फैमिली में ले सकते हैं, दूसरे बेटे की अलग पॉलिसी हम लोग इंडिविजुअल पॉलिसी देंगे।
तो यहां तक मेरा एग्जांपल समझ में आ रहा है? कोई भी एक पर्सन स्क्रीन में डाल सकता है, थंब दिखा सकता है, बता सकता है, ताकि बीच में ये जो मीटिंग है ये पर्पसफुली हो, ताकि सब लोगों को समझ में आए। ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ समझाता जा रहा हूँ और लोगों को ये ना लगे कि समझ में नहीं आया। फैमिली का मतलब समझ में आ गया, एज ऑफ एंट्री का मतलब समझ में आ गया, और हमें जो जितने लोग ले सकते हैं वो भी समझ में आ गया। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, यहाँ पर ये सम इश्योर्ड अवेलेबल है। मिनिमम सम इश्योर्ड 5 लाख रुपए है और मैक्सिमम सम इश्योर्ड 1 करोड़ रुपए तक का सम इश्योर्ड लिया जा सकता है। 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़, ये 9 तरह के सम इश्योर्ड हैं जो पॉलिसी में अवेलेबल हैं। जो भी कस्टमर, जिसको भी आप देना चाहें, उसको ये ऑप्शन दिए जा सकते हैं आराम से। नेक्स्ट, हॉस्पिटलाइजेशन मेडिकल एक्सपेंसेस के अंदर हम लोग क्या कवर करते हैं ये आप समझ लीजिए। हमारी पॉलिसी के अंदर सिंगल प्राइवेट एसी रूम कवर्ड होता है। एक ऐसा रूम जिसके अंदर वॉश बेसिन लगा हो, आपका अटैच एसी हो, आपका काउच हो अटेंडेंट के लिए, और एक टेलीविजन और एक इकोनॉमिकल सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम होगा, जैसे कि आपको इमेज में प्रॉपरली दिखाया गया है। हमारे यहाँ सिंगल प्राइवेट रूम की कोई भी कैपिंग नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है, चाहे वो 5,000 का हो, 10,000 का हो या 25,000 का हो। लेकिन आप सिंगल प्राइवेट रूम के अलावा डिलक्स, लग्जरी या स्वीट रूम नहीं ले सकते हैं। इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। जो सिंगल रूम की डेफिनेशन है वो है सिंगल प्राइवेट एसी रूम जिसमें एसी लगा हुआ हो। ये हमारी पॉलिसी में कितने भी अमाउंट का हो आप ले सकते हैं, कितने भी बड़े हॉस्पिटल में या छोटे हॉस्पिटल में। नेक्स्ट, हॉस्पिटलाइजेशन में जनरली ये 3 ही तरह के खर्चे होते हैं। एक तो डॉक्टर्स की फीस होती है, जो सर्जन हो सकता है, एनेस्थीसिस्ट हो सकता है, मेडिकल प्रैक्टिशनर हो सकता है, कंसल्टेंट हो सकता है, या कोई स्पेशलिस्ट हो सकता है जो हॉस्पिटल में विजिट करने के लिए आएगा, वो खर्चा हमारी पॉलिसी में कवर्ड होगा। कोई ब्लड, एनेस्थीसिया, ऑक्सीजन, ओटी चार्जेस, डायलिसिस, आईसीयू या कोई सर्जिकल अप्लायंसेज वगैरह जरूरत होगी तो वो भी हमारी पॉलिसी में कवर्ड होगा। और किसी भी तरह की मेडिसिन, एक्सरे या लैब टेस्ट वगैरह की जरूरत होगी तो वो भी हमारी पॉलिसी में आप आराम से यूज कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई लिमिट्स या प्रॉब्लम नहीं है पॉलिसी के अंदर। मैं म्यूट कर रहा हूं दोबारा, बीच बीच में कोई आवाजें आ रही थी। नेक्स्ट, यहां से फीचर शुरू होते हैं पॉलिसी के, जिसको आपने ध्यान से समझना है। हमारी पॉलिसी में रोड एम्बुलेंस तो कवर होता ही है, जिसे हम बोलते हैं कि रोड से कहीं हॉस्पिटल में शिफ्ट करना, और हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा वो भी हमारी पॉलिसी में कवर होगा। जब भी कोई ऐसी इमरजेंसी हो जिसमें जिस पर्टिकुलर हॉस्पिटल से आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं वहां से आपको लगता है कि सूटेबल नहीं है, दूसरे हॉस्पिटल में करा लेना चाहिए, तो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल ट्रांसफर करने का भी जो खर्चा होगा हमारी पॉलिसी में ऑन एक्चुअल बेसिस कवर होगा, कोई लिमिट नहीं है। और हॉस्पिटल से जब घर वापस छुट्टी मिलती है तब भी अगर एम्बुलेंस की जरूरत है तब भी आप उसको वापस लेके जा सकते हैं। पॉलिसी में एक्चुअल अमाउंट कवर्ड है। ज्यादातर अदर कंपनीज की बात करें तो वहां पर लिमिट होता है रोड एम्बुलेंस का 1,000, 1,500, 2,000, 3,000, हमारे यहाँ कोई लिमिट नहीं है। प्लस हमारी पॉलिसी में एयर एम्बुलेंस भी कवर है 2.5 लाख रुपए तक, जो अपने आप में बहुत अमेजिंग है। और पूरी पॉलिसी में 5 लाख रुपए तक यूज कर सकते हैं, सिंगल एयर एम्बुलेंस 2.5 लाख रुपए से ज्यादा अलाउड नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन आप लोगों को समझा देता हूँ, कुछ लोग नए हैं हमारे साथ। प्री हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब होता है एडमिट होने से पहले का खर्चा। मान लीजिए एक पर्सन है जिसे खांसी, जुकाम, बुखार या कोई भी ऐसी डिसीज है जिसकी वजह से वो डायरेक्टली हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होता है, पहले आसपास डॉक्टर से इलाज कराता है 10 दिन 15 दिन 20 दिन। जब आराम नहीं पड़ता है तब डॉक्टर कहता है कि आपको एडमिट होने की जरूरत है 20वें दिन 21वें दिन या 25वें दिन। तो इन बिटवीन जो भी उसका खर्चा होता है, डॉक्टर को दिखाने का खर्चा, उसकी मेडिसिन का खर्चा, या इन बिटवीन कोई मेडिकल टेस्ट वगैरह उसने कराए हैं, वो सारे खर्चे हमारी पॉलिसी में कवर्ड होंगे 60 दिन पहले के, जिसे हम प्री हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं। एडमिट होने से पहले के जितने भी खर्चे हैं वो हमारे प्री हॉस्पिटलाइजेशन में कवर होंगे, और डिस्चार्ज होने के बाद के जो खर्चे होते हैं वो भी हमारी पॉलिसी में 90 दिन तक कवर होंगे। यानी कि मान लीजिए कोई पर्सन 4 दिन हॉस्पिटलाइज हो गया, डॉक्टर कहता है कि आज छुट्टी मिल रही है, कोर्स पूरा नहीं हुआ, 1-2 महीने अभी दवाइयां और चलेंगी या 3 महीने तक दवाइयां चलेंगी, तो बाद के भी जो दवाइयों के खर्चे हैं, दिखाने के खर्चे हैं या कोई टेस्ट करवाते हैं वो सारे बिल भी दे दीजिए,
दोनों पैसे रिइम्बर्स हो जाएंगे, और जो हॉस्पिटल में एडमिट होंगे वहां पर पैसे नहीं देने पड़ते हैं, वहां पर कार्ड दिखा के इलाज करवा सकते हैं, पूरा पैसा कंपनी की तरफ से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। ऑल डे केयर प्रोसीजर्स आर कवर्ड, जो लोग नए हैं उनको समझा देता हूँ। डे केयर प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें भी 24 घंटे हॉस्पिटलाइजेशन होने की जरूरत नहीं होती, जैसे कि कुछ ऐसी एडवांस सर्जरीज हैं जिनमें पहले टाइम लगा करता था, एक दिन दो दिन चार दिन, अब वही सारी सर्जरीज दो घंटे चार घंटे तीन घंटे में हो जाती हैं, जैसे कि स्टोन का ऑपरेशन, स्टोन की सर्जरी होती है, कैटरेक्ट होता है, आंखों का मोतिया, नी रिप्लेसमेंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हर्निया, रसौली, पाइल्स, गाइनी इश्यूज, यूटरस वगैरह रिमूव कराना होता है, ये सारी चीजें अब घंटे दो घंटे के अंदर सर्जरीज के थ्रू आराम से निबट जाती हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर ऐसी भी कोई सर्जरी है, डे केयर ट्रीटमेंट कोई करवाना है, किसी भी तरह की सर्जरी, वो भी हमारी पॉलिसी में कवर्ड होती है। और ज्यादातर जितने भी डे केयर प्रोसीजर्स होते हैं सभी कंपनी के अंदर 2 साल के बाद कवर होते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ भी 2 साल के बाद कवर होंगे और सारे कवर्ड होते हैं। नेक्स्ट, आयुष ट्रीटमेंट। आयुष ट्रीटमेंट समझ लीजिए, नॉन एलोपैथिक हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट को आयुष ट्रीटमेंट बोलते हैं, जिसमें आयुर्वेदिक, सिद्धा, होम्योपैथिक, यूनानी, ये सारी तरीके के ऑप्शंस आते हैं जिसमें हमारी पॉलिसी कवर करती है। यहाँ पर लिमिट दी गई है, इस लिमिट का खास ध्यान रखना है। किसी की पॉलिसी 5 लाख से लेकर 15 लाख तक की है तो 15,000 रुपए तक का वो आयुष ट्रीटमेंट करा सकता है, नॉन एलोपैथिक ट्रीटमेंट करा सकता है। 20 लाख से 25 लाख की पॉलिसी है तो 20,000, और 50 लाख से 1 करोड़ की पॉलिसी है तो 30,000 रुपए तक का एक्सपेंस हमारी पॉलिसी में कवर्ड होगा। लेकिन जिससे भी ये करवाना है वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, विच इज मैंडेटरी। ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा कोई लैब हो या कोई छोटा मोटा कोई डॉक्टर का पैथोलॉजिकल कोई सिस्टम हो वहां से कुछ करा रहा हो, वहां से नहीं होगा, प्रॉपरली अप्रूव्ड होना चाहिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से। नेक्स्ट, डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन। आजकल ये बहुत ज्यादा फैशन में है। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब होता है कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट जिसके लिए मिनिमम 3 डेज हॉस्पिटलाइजेशन होना, घर में ही ट्रीटमेंट कराना जरूरी होता है डॉक्टर की रिकमेंडेशन के ऊपर। अगर कोई भी ऐसा आप ट्रीटमेंट करवाते हैं, जैसे कि आजकल कोरोना का चल रहा है, कोरोना की वजह से लोग हॉस्पिटल में एडमिट होना नहीं चाहते हैं, डॉक्टर के कहने पे घर पे ही ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, घर में ही होम क्वारंटाइन हो जाते हैं। ये तभी एप्लीकेबल है जब डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा कि यस आप अपना घर से ट्रीटमेंट करा लीजिए, डेडिकेटेड एक नर्स ले लीजिए और सुबह शाम मॉर्निंग या इवनिंग में या तो वो जूम मीटिंग के थ्रू चेक कर लेगा या पर्सनल विजिट भी कर सकता है पीपीई किट पहन के, तो वो सारे एक्सपेंसेस भी पॉलिसी में कवर्ड होते हैं। लेकिन मिनिमम 3 डेज अगर वो ट्रीटमेंट होगा घर से तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, ये अपटू सम श्योर तक हमारी पॉलिसी में कवर। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, नहीं तो आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। अगर कोई भी पर्सन 5 लाख की पॉलिसी लेता है, 10 लाख की या 50 लाख की, तो हम बोल सकते हैं 10 लाख के साथ 10 लाख का इंश्योरेंस फ्री है, 50 लाख के साथ 50 लाख का इंश्योरेंस फ्री है, और 1 करोड़ की पॉलिसी ली है तो 1 करोड़ का इंश्योरेंस फ्री है। पॉलिसी के अंदर इनबिल्ट फीचर है, इसकी टेक्निकल लैंग्वेज क्या है वो बता देता हूँ। 100% बेसिक सम इंश्योर्ड इमीडिएटली अपॉन एग्जॉशन ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड एंड एक्युमुलेटेड बोनस। अगर आपका जो बोनस है और जो सम इंश्योर्ड जितने का इंश्योरेंस लिया है वो दोनों अमाउंट आपके खत्म हो जाते हैं 100%, उसके बाद जो भी जितने का आपने इंश्योरेंस लिया था अगर दोबारा पॉलिसी में जरूरत पड़ती है तो आप क्लेम कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये हमारी पॉलिसी के बिल्ट है, यानी कि एग्जांपल देता हूँ, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चों की पॉलिसी है। मान लीजिए हस्बैंड के लिए कोई कैंसर का क्लेम आ गया, पॉलिसी 10 लाख रुपए की है और पहले साल में ऐसा कोई क्लेम आया 4 महीने बाद 2 महीने बाद, उसी साल में हस्बैंड को या वाइफ को कोई भी बीमारी होती है, इवन कैंसर हो या सेम पर्सन सेम डिसीज भी कवर होगा और कोई अदर डिसीज है तब भी कवर होगा, अगला क्लेम फिर 10 लाख का भी आ जाएगा तो भी कंपनी पास कर देगी। मैं समझा पाया आपको अपनी बात? प्लीज एक बार अनम्यूट करके बता दीजिए ताकि मैं यहाँ तक समझ पाऊँ कि जो चीजें हैं वो यहाँ तक सही चल रही हैं। यस ठीक है सर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके जी, इसमें जो कम ये जो है ना पूरा खत्म होना चाहिए ना, पूरा खत्म होना चाहिए, सेम पर्सन सेम डिसीज एप्लीकेबल है, खत्म होगा तभी, इससे पहले नहीं। सर 10 लाख की पॉलिसी और 12 लाख का क्लेम आया तो
सर 10 लाख का ही क्लेम मिलेगा, लेकिन अगर आपकी पॉलिसी में कोई बोनस भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ बोनस बहुत ज्यादा है, तो आप पूरा यूज कर सकते हैं वन शॉट में। अगर पहले ही साल है तो 10 लाख तक का ही क्लेम मिलेगा। ओके ओके ठीक है। ओके ठीक है सर। हम लोग बात कर रहे थे रजिस्ट्रेशन के ऊपर, और किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई हो, ये लॉजिक बिल्कुल क्लियर है, सेम पर्सन सेम डिसीज कवर्ड होगा, लेकिन 100% आपका समय शॉट एग्जॉस्ट हो जाएगा, तभी वो एडिशनल वाला पैसा आप यूज कर सकते हैं, इससे पहले नहीं यूज कर सकते। ठीक है, आगे बढ़े या कुछ किसी को कोई डाउट है तो पूछना चाहे तो बिल्कुल पूछ लीजिए सर, अपने आप को अनम्यूट करके आई एम अवेलेबल। आगे बढ़े या कुछ पूछना है नगीन जी? हाँ अनम्यूट कर। आप एग्जॉस्ट की क्या बात करें सर, पूरा समय एग्जॉस्ट हो जाएगा, समझने बात है? एडजस्ट नहीं सर, एग्जॉस्ट हो जाएगा। एग्जॉस्ट भाई हां जी जी, एग्जॉस्ट मतलब खत्म हो जाएगा, तभी अच्छा। आपको नया समय शॉट आप दोबारा यूज कर सकते हैं। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, इससे पहले नहीं कर सकते सर। ओके सर, ओके ठीक है। ओके सर, ओके जी, आगे बढ़ते हैं सर। म्यूट कर लीजिए सर आप सभी लोग, मैं कर रहा हूं फिलहाल। ओके नेक्स्ट, यहाँ पर नो क्लेम बोनस मिलता है सर, जो बहुत अमेजिंग है। नो क्लेम बोनस, अगर पॉलिसी 5 लाख रुपए की है और जिस साल भी पॉलिसी में क्लेम नहीं आया है, उस साल पॉलिसी में 50% नो क्लेम बोनस मिलेगा, और सेकंड ईयर 5 लाख की पॉलिसी की ही बात कर रहा हूँ, अगेन क्लेम नहीं आया है, देन अगेन 50% बोनस मिलेगा, टोटल 100% बोनस मिलेगा। यानी कि 5 लाख की पॉलिसी 2 साल में ही, पहले साल 7.5 लाख की हो जाएगी, 2.5 लाख बोनस जुड़ जाएगा, और दूसरे साल 2.5 लाख रुपए और बोनस जुड़ जाएगा, तो टोटल 10 लाख की हो जाएगी। एक ही साल में 50% बोनस 5 लाख की पॉलिसी में, और सेकंड ईयर में अगेन 50%, ये यूनिक फीचर है। बाकी कंपनीज में 5%, 10%, 20% से ज्यादा का नो क्लेम बोनस नहीं होता है, यहाँ सबसे ज्यादा है। और सबसे अच्छी चीज, अगर किसी ने पॉलिसी 7.5 लाख या और ऊपर का सम इंश्योर्ड लिया है, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लिया है, तो पहले साल में ही 100% बोनस मिलता है। यानी कि अगर किसी ने 10 लाख की पॉलिसी ली है और क्लेम नहीं लिया है, तो अगले साल ही पॉलिसी 20 लाख की हो जाती है, जो कि अपने आप में बहुत ही यूनिक फीचर है। एक साल बाद ही पॉलिसी डबल, और प्रीमियम वही रहेगा। प्रीमियम यहाँ पे कब चेंज होगा वो लास्ट में डिस्कस करेंगे। हमारे यहाँ एज स्लैब्स होते हैं प्रीमियम के, जनरली 45 के बाद 5 साल के बाद बढ़ते हैं, और 45 से पहले 10-10 साल के बाद प्रीमियम बढ़ता है। तो जब तक प्रीमियम वही रहेगा और कस्टमर ज्यादा यूज कर सकता है, ये उसके पास अवेलेबिलिटी रहेगी। ये बहुत यूनिक चीज है जो मार्केट में किसी के पास भी नहीं है। पहले साल ही 100% बोनस, अमेजिंग फीचर है। अगर 7.5 लाख, 10 लाख, 20 लाख की पॉलिसी, 50 लाख की पॉलिसी ले रखी है, तो अगले साल ही 1 करोड़ की हो जाएगी। ये यूनिक फीचर है। और 1 करोड़ की किसी ने लिया है तो वो 2 करोड़ की हो जाएगी, जो अपने आप में बहुत ही अमेजिंग है। नेक्स्ट, डिलीवरी एंड न्यू बॉर्न बेबी कवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, समझ लीजिए। कुछ लोग बोलेंगे आपको कि ऐसा प्लान चाहिए जिसमें डिलीवरी भी कवर्ड हो जाए, मैटरनिटी भी कवर हो जाए, और न्यू बॉर्न बेबी का खर्चा भी मिल जाए। हमारी पॉलिसी में सिर्फ 2 साल का वेटिंग पीरियड है। पॉलिसी लेने के 2 साल के बाद आपका कोई भी डिलीवरी का खर्चा आएगा पॉलिसी में कवर्ड होगा। 5 लाख की पॉलिसी में 15,000 रुपये नॉर्मल डिलीवरी के लिए, और सीजरिन के लिए 20,000, 7.5 लाख की पॉलिसी में 25,000, सीजरिन में 40,000, 10 लाख से 25 लाख की पॉलिसी है तो 30,000, और सीजेरियन में 50,000, 50 लाख से 1 करोड़ की पॉलिसी में 50,000 नॉर्मल और 1 लाख सीजेरियन। ये सिर्फ डिलीवरी का बता रहा हूँ। और न्यू बॉर्न बेबी का खर्चा हमारे यहाँ 25 लाख तक की पॉलिसी में 1 लाख रुपए तक का मिलता है, और 50 लाख से 1 करोड़ की पॉलिसी है तो 2 लाख रुपए का न्यू बॉर्न बेबी का खर्चा कवर है। न्यू बॉर्न बेबी का खर्चा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आजकल जब भी डिलीवरी होती है तो डॉक्टर्स आजकल थोड़ा सा नाटक करते हैं, तमाशा करते हैं, बोलते हैं बच्चे का वेट कम है, जॉइंटिक्स हो गया है, या कोई भी बच्चे के साथ प्रॉब्लम है, इसको नर्सरी में रखना पड़ेगा। उसका भी खर्चा दोस्तों काफी ज्यादा आ जाता है। तो वो सारे खर्चे इस पॉलिसी के थ्रू कवर हो सकते हैं। डिलीवरी का अलग कवर हो जाएगा, और अगर नर्सरी में रखने की जरूरत पड़ रही है, बच्चे को हॉस्पिटलाइज रख रहे हैं, उस केस में ये वाला पैसा आपका काम आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फीचर है, आपको किसी कंपनी के अंदर नहीं मिलेगा। अगर सही तरीके से यूज करेंगे तो बहुत इजीली पॉलिसी सेल हो जाएगी। नेक्स्ट, वैक्सीनेशन फॉर न्यू बॉर्न बेबी, ये भी कवर्ड है हमारी पॉलिसी में। 5 लाख से लेके 25 लाख की पॉलिसी में 5,000 रुपये कवर्ड है, और 25 लाख से अबव की पॉलिसी में 10,000 रुपये का वैक्सीनेशन अमाउंट कवर्ड है। ठीक है, एक सेकेंड बस। नेक्स्ट सर,
ऑर्गन डोनर कवर, अगर कोई भी ऑर्गन डोनर की एक्सपेंस की जरूरत पड़ती है, ऑर्गन डोनर तीन तरह के होते हैं आप समझ लीजिए, कस्टमर भी आपसे पूछ सकते हैं क्या होते हैं ऑर्गन डोनर। ऑर्गन डोनर में क्या होता है, एक तो किडनी ट्रांसप्लांट होता है, लीवर ट्रांसप्लांट होता है, और एक बोन मैरो जो रीढ़ की हड्डी के बीच में जो पॉइंट होता है वहां पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है। ये तीन ही चीजें हम अपने फैमिली मेंबर से ले सकते हैं, ब्लड रिलेशन से ले सकते हैं, किसी और आउटसाइड पर्सन से नहीं ले सकते हैं। अगर ऐसी भी कोई जरूरत पड़ती है तो आप अप टू सम एश्योर्ड जितने लाख की आपका पॉलिसी है वहां तक हमारी पॉलिसी में कवर्ड है, जो दे रहा है वो भी कवर्ड है, जो ले रहा है वो भी कवर्ड है। नेक्स्ट, तो हमारी पॉलिसी में जो बंदा दे रहा है, डोनी जिसे बोलते हैं, चाहे वो उसने वो हमारी पॉलिसी में कवर्ड है या नहीं है, तब भी हम अपनी पॉलिसी में उसका इलाज ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल बताता हूँ, आपको एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। मान लीजिए हस्बैंड वाइफ की पॉलिसी है और हस्बैंड को लीवर चाहिए, अपनी मदर से ले रहे, अपने फादर से ले, अपने भाई से ले या बहन से ले, तो जो बंदा लीवर दे रहा है उसका भी एक्सपेंस हमारी पॉलिसी में कवर होगा, क्योंकि उससे भी रिलेटेड कई सारे टेस्ट होंगे, मैच किया जाएगा कि दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो देने और लेते वक्त दोनों की लाइफ का रिस्क रहता है, दोनों के कई सारे टेस्ट और कई सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। वो टोटल एक्सपेंस जितने लाख की आपकी पॉलिसी है, चाहे 10 लाख की है, 20 लाख की है, 50 लाख की है, वो दोनों के लिए आप यूज कर सकते हैं, चाहे वो आपकी पॉलिसी में कवर्ड है या नहीं। वाइफ भी देगी तो आपकी पॉलिसी में ऑटोमेटिक या तो कवर होती है, तब भी कवर होता है, अगर वाइफ के अलावा भाई या बहन भी इसे भी ले रहे हैं तब भी हमारी पॉलिसी में, ब्लड रिलेशन है तो कवर होगा। ये बहुत यूनिक फीचर है। नेक्स्ट, बेरिएट्रिक सर्जरी। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था, बेरिएट्रिक सर्जरी में आपको इमेज से समझ में आ रहा होगा, कुछ लोग एक्स्ट्रा फैटी हो जाते हैं इतने ज्यादा कि उनको लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क हो जाता है, लाइफ का रिस्क हो जाता है, डॉक्टर उनको रिकमेंड करता है अगर आपने अपने मोटापा को कम नहीं किया सर्जरी के थ्रू, जो सर्जरी होती है मोटापा कम करने की, उसको बेरिएट्रिक सर्जरी बोलते हैं, जहां पर भी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट होता है उसको काट दिया जाता है बेरिएट्रिक सर्जरी के थ्रू और एक प्रॉपर शेप बना दी जाती है। जैसे कि एक बहुत बड़ा सिंगर है, आप लोगों ने सुना होगा, अदनान सामी, वो पहले एक्स्ट्रा फैटी था, कभी तो नजर मिलाओ कभी तो करीब आओ, सुना होगा आप शायद, आप लोगों ने शायद होगा ना। तो वो जो पर्सन पहले की इमेजेस आप देख लीजिए और आज जो है वो बेरिएट्रिक सर्जरी का ही कमाल है कि वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है। तो ऐसी चीजें हमारी पॉलिसी में कवर्ड है, जो ज्यादातर पॉलिसीज में कवर्ड नहीं होता है। 5 लाख से 25 लाख, 15 लाख की पॉलिसी में 2.5 लाख रुपए तक का अमाउंट कवर्ड है और 15 लाख से ऊपर की पॉलिसी में 5 लाख रुपए कवर्ड है। और ये बेरिएट्रिक सर्जरी की वेटिंग है 3 साल, पॉलिसी लेने के 3 साल के बाद आप ये सर्जरी हमारी पॉलिसी में करवा सकते हैं। तो आपको वेटिंग भी पता होनी चाहिए और इसकी लिमिट्स भी पता होनी चाहिए ताकि कस्टमर को बताना और समझाना आसान हो जाए। नेक्स्ट, हेल्थ चेकअप। एवरी ईयर पॉलिसी के अंदर क्लेम फ्री ईयर में हमारे यहाँ हेल्थ चेकअप अवेलेबल है। जिस साल भी पॉलिसी में क्लेम नहीं आएगा उस साल रिन्यूअल कराने के बाद आप पॉलिसी में हेल्थ चेकअप ले सकते हैं। 5 लाख की पॉलिसी में 2000, 7.5 में 2500, 10 लाख में 3000, 25 लाख में 4500 और 50 लाख से 1 करोड़ की पॉलिसी है तो 5000 रुपए तक का हेल्थ चेकअप पॉलिसी में अवेलेबल है। हेल्थ चेकअप कराने के लिए आपको कस्टमर को भी समझाना है कि जब आप इस चीज के लिए एलिजिबल हैं, जिस साल भी क्लेम नहीं आया है रिन्यूअल कराने के बाद, आप किसी भी अच्छी से अच्छी जगह जाके अपना टेस्ट करा लीजिए और उसका हमें बिल दे दीजिए, वो बिल हम रिइंबर्स करा के आपको दे देंगे, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। जितने का भी ले भी आप एलिजिबल हैं उतने अमाउंट के टेस्ट करवा सकते हैं आप कहीं से भी, यू आर फ्री। चाहे आप लाल पैथ से कराएं, स्टार से कराएं, किसी भी और रेपुटेड लैब से कराएं, कंपनी को इससे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, हॉस्पिटल कैश। ये बहुत यूनिक फीचर है। हॉस्पिटल कैश का मतलब है जितने दिन भी 24 घंटे हॉस्पिटलाइजेशन होगी तो आपको पर डे पैसा मिलेगा। 5 लाख की पॉलिसी में 500 रुपए पर डे मिलेगा, 7.5 लाख से 10 लाख की पॉलिसी है तो 750 रुपए, 15 लाख से 20 लाख की पॉलिसी है तो 1000 रुपए पर डे। एक हॉस्पिटलाइजेशन का मैक्सिमम 7 डेज से ज्यादा का हम लोग पैसा नहीं देते हैं। मान लीजिए कोई 10 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज हुआ है, पॉलिसी 10 लाख की ली हुई है, तो हमारे यहाँ 1000 रुपए पर डे मिलेगा 7 डे का इलाज के अलावा। जो इलाज हॉस्पिटल में हो रहा है वो तो अब मिलेगा ही मिलेगा, जितने जब डिस्चार्ज समरी सबमिट करेगा तो उतने दिन के हिसाब से पैसा मिल जाएगा। पूरे साल में 120 दिन तक यूज कर सकते हैं, कभी 5 दिन के लिए, कभी 4 दिन के लिए, कभी 10 दिन के लिए, कभी 15 दिन के लिए, जितने बार भी होंगे एवरी टाइम 7 डेज तक मैक्सिमम ले सकते हैं और ऐसे आप पूरे साल में 120 दिन तक यूज कर सकते हैं। ये पॉलिसी में इनबिल्ट फीचर है
जो ज्यादातर पॉलिसीज के अंदर आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट ओपीडी आईज एंड डेंटल के लिए, ओपी डेंटल का मतलब होता है आउट पेशेंट डेंटल ट्रीटमेंट, जिसमें एडमिट होने की जरूरत नहीं होती। कई बार दांतों में कोई खर्चे आ जाते हैं, पायरिया हो जाता है, दांत निकलवाना पड़ता है, दांत में तार लगवानी पड़ती है, या आईज में आपको चश्मा लगवाना है, लेजर ट्रीटमेंट कराना है, तो वो सारी चीजें भी हमारी पॉलिसी में 3 साल में एक बार आप यूज कर सकते हैं। एवरी 3 ईयर ब्लॉक के अंदर आपने अगर यूज करना है तो 5 लाख से 7.5 लाख की पॉलिसी में 5,000 रुपए तक का अमाउंट आप ओपीडी के नाम से यूज कर सकते हैं, इनकेस डेंटल या आईज का कोई भी ट्रीटमेंट करा के। 10 लाख से 25 लाख की पॉलिसी है तो 10,000 रुपए, और 25 लाख एंड अबव पॉलिसी है तो 15,000 रुपए के बिल देके आप रीइंबर्स करा सकते हैं। ये हमारी पॉलिसी के अंदर स्पेशल फीचर है जो आपको किसी भी पॉलिसी के अंदर नहीं मिलेगा। जनरली आप चाहें तो किसी से क्रॉस चेक करके पूछिए, बहुत यूजफुल फीचर है। नेक्स्ट ओपीडी आउट पेशेंट मेडिकल कंसल्टेशन, ये ऐसा कंसल्टेशन है जिसमें आप एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ती। खांसी जुखाम बुखार के लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करने जाते हैं, और कोई डॉक्टर का भी 100 लेता है, 200 लेता है, 500 लेता है या 1,000 लेता है, डिपेंड करता है आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस लोकेशन में रहते हैं। हमारे यहाँ पर कंसल्टेशन की लिमिट है 300 रुपए, और सम इंश्योर्ड वाइज लिमिट दी गई है 300 रुपए से ज्यादा एक कंसल्टेशन का पैसा नहीं मिलेगा। 5 लाख की पॉलिसी में 1,200, 10 लाख की पॉलिसी में 2,100, 20 लाख की पॉलिसी में 3,000, और 50 से 1 करोड़ की पॉलिसी में 5,000 रुपए तक का आप ओपीडी का रीइंबर्समेंट करा सकते हैं। पूरे साल में एक ही बार क्लेम डाल सकते हैं। आप जितने भी बिल होते हैं संभाल के रख लीजिए, पर कंसल्टेशन के हिसाब से 300 रुपए के हिसाब से पैसा मिलेगा। आपका 500 लगाए तब भी 300 मिलेगा, आपका 1,000 लगाए तब भी 300 मिलेगा, और आपका 200 लगाए तो 200 ही मिलेगा। 300 मैक्सिमम है, और जो भी कम हो वो कंपनी प्रोवाइड करती है, ज्यादा वाला ऑप्शन नहीं रहता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट सेकंड मेडिकल ओपिनियन, ये बहुत सारी कंपनीज में नहीं होता है दोस्तों, ये बहुत यूनिक फीचर है। कई बार आपका कस्टमर किसी बड़ी इमरजेंसी की वजह से हॉस्पिटलाइज होता है, और आपको ऐसा लगता है कि जो वो ट्रीटमेंट आपको बता रहे हैं, कई बार बोलते हैं आपको कोई बड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी, हार्ट की ओपन हार्ट सर्जरी करनी है, स्टंट डालने हैं, या कोई किडनी का कोई इशू है, या माइंड से न्यूरो से रिलेटेड कोई कंसर्न है, और उस केस में आपकी फैमिली में एक जो कस्टमर है उसकी फैमिली में कोई ऐसा टेक्निकल पर्सन नहीं है, कोई डॉक्टर्स नहीं है जो आपको सही तरीके से गाइड कर सके, तो ऐसे केस में आपको अगर हॉस्पिटल से डाउट है या आपको लगता है कि मुझे एक सेकेंड ओपिनियन लेनी चाहिए, तो हमारी पॉलिसी में सेकेंड ओपिनियन फ्री है। सिमिलर या उससे हायर हॉस्पिटल्स के अंदर आप सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा जो ये हॉस्पिटल ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो सही है, या कई बार इसका वाया मीडिया भी अवेलेबल होता है, सर्जरी की जरूरत ही नहीं होती, बिना सर्जरी के भी काम चल सकता है। तो सेकंड ओपिनियन वैसे आप देखेंगे तो चार्जेबल होती है, 25,000, 50,000, 1,00,000 रुपए तक इसकी कॉस्ट चार्ज करती हैं कंपनियां, लेकिन हमारे यहाँ फ्री है, आपको प्रॉपर जेन्युइन सेकंड ओपिनियन मिलेगी कि दिस इज द ट्रीटमेंट इज ओके और नॉट, आपको यहाँ कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जो ऐसे टाइम में बड़ी हेल्प करता है। ये पॉलिसी में इनबिल्ट फीचर है, आपको फ्री मिलेगा। नेक्स्ट एक्सीडेंटल डेथ एंड परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, ये बहुत यूनिक फीचर है दोस्तों। जो प्रपोजर है पॉलिसी में एक बंदे के लिए ये फीचर अवेलेबल होता है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ दो बच्चों की पॉलिसी ली है तो हस्बैंड के लिए ये फीचर अवेलेबल है, इलाज भी मिलेगा, और एक्सीडेंट की वजह से अगर कोई एडमिट हुए हॉस्पिटल में 2 दिन 4 दिन 10 दिन जितना भी खर्चा होगा अप टू सम इंश्योर्ड पॉलिसी में कवर होगा, और इलाज के बावजूद वो बंदा नहीं बचता है तो भी उसकी एक्सीडेंटल डेथ का अमाउंट, अगर 10 लाख का पॉलिसी लिया है तो 10 लाख रुपए उसकी फैमिली को मिल जाएगा, या डेथ ना होके परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो गई है जिसमें बॉडी के 2 लिम्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के कोई भी 2 पार्ट्स परमानेंटली डिसेबल्ड हो गए हैं, वो केस भी हमारी पॉलिसी में एज ए डेथ काउंट होती है, वो पैसा भी आपको लमसम मिल जाएगा। 1 करोड़ की पॉलिसी ली है तो 1 करोड़ तक का इलाज भी करा सकते हैं, और 1 करोड़ रुपए डेथ होने पे भी मिल जाएगा, 1 करोड़ रुपए बॉडी के 2 पार्ट्स परमानेंटली डिसेबल्ड हो गए हैं तब भी मिल जाएगा। पॉलिसी 5 लाख की हो तब भी ऐसे ही होगा, 10 लाख की हो तब भी ऐसे ही होगा, या कोई भी सम इंश्योर्ड होगा, सेम केस में सेम प्रोसेस फॉलो होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये इसके फीचर्स दिए गए हैं, अलग अलग परसेंटेज होती हैं अलग अलग बॉडी पार्ट्स की, कोई भी 2 पार्ट्स परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी में काम होते हैं, जैसे कि एक हाथ एक पैर एक
नाक या कोई भी दो पार्ट्स बॉडी के अगर होंगे तो कंपनी एज ए 100% काउंट करेगी। ये स्टार वेलनेस प्रोग्राम है जो बहुत अमेजिंग है, जिससे आपका प्रीमियम में डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप हमारे इस ऐप को डाउनलोड करते हैं, जो भी कस्टमर पॉलिसी लेंगे और गूगल के थ्रू ये ऐप डाउनलोड करके फुटस्टेप चलते हैं, योगा करते हैं, जिम जाते हैं और उसकी रिपोर्ट्स शेयर करते हैं इस ऐप के ऊपर, तो एट द ईयर एंड इनको प्रीमियम में डिस्काउंट मिलता है। जितने वो पॉइंट्स अर्न करेंगे उसके अकॉर्डिंग 2% से लेके 10% तक प्रीमियम में डिस्काउंट ले सकते हैं। ये सारी एक्टिविटीज हैं, वेट मैनेजमेंट एक्टिविटीज हैं, कई सारी चीजें हैं जो हमारे यहाँ से अवेलेबल होंगी, उस ऐप के अंदर प्रॉपरली दिखाई जाएंगी। एट लास्ट नॉट लीस्ट, ये फीचर है जिसे हम बोलते हैं बाय बैक पीईडी वेटिंग पीरियड। अगर किसी को पहले से ही कोई पुरानी बीमारी है जैसे बीपी, शुगर, अस्थमा, थायराइड, रसौली, कोई भी ऐसी डिसीज जिसके लिए वो दवाइयां ले रहे हैं, रेगुलर मेडिसिन ले रहे हैं और वो रेगुलर मेडिसिन की वजह से जो पुरानी बीमारी को कम वेटिंग पीरियड में लेना चाहते हैं, 3 साल से 1 साल में कन्वर्ट हो सकते हैं, उसके लिए कस्टमर को एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। 25% से लेके 45% तक प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करते हैं तो अप्रूवल बेस उन्हें 36 महीने से 12 महीने वेटिंग पीरियड का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर एज वाइज प्रीमियम मेंशन्ड है, कितनी एज पे कितने परसेंट प्रीमियम लगेगा वो मैं आपको अलग से शेयर कर दूंगा, अभी आपकी नॉलेज के लिए है। 25% से लेके 45% तक प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा तो आप 36 महीने से 12 महीने के ऑप्शन में आ सकते हैं। सर आशुतोष बोल रहा हूँ। सर हाँ बोलिए आशुतोष जी। सर मतलब इसमें ही है केवल कॉम्प्रिहेंसिव में है कि और भी दूसरे में भी है अपना फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा भी नहीं है। सर ओनली इसी प्लान के अंदर है, ओनली कॉम्प्रिहेंसिव में है, लेकिन एक चीज का इसमें खास ध्यान रखना होगा, अगर आपने एक बार इस ऑप्शन में चले गए जी तो आप फिर वापस नॉर्मल ऑप्शन में नहीं आ सकते, मतलब आपको जो है अगर किसी रीजन से कंपनी ने डिनाई कर दिया कि आपको बीपी या शुगर जिसकी वजह से भी आप जा रहे हैं, अगर हायर साइड है तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको 1 ईयर वाला ऑप्शन लेना चाहिए। अगर ये बहुत हायर साइड में है बीपी या शुगर, अगर नॉर्मल लेवल में है कोई एक डिसीज है और कस्टमर का प्रीमियम के मतलब जैसे सर नॉर्मल है और एक साल का सर वो चाह रहे हैं तो आराम से मिल जाएगा। कितना लोडिंग लगेगा सर प्रीमियम में, कितना लोडिंग आएगा सर? 25% से लेके 45% तक का प्रीमियम लोडिंग है, वो एज वाइज मैटर मेंशन किया हुआ है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, उसके अकॉर्डिंग ही प्रीमियम चार्ज होगा। लेकिन मैं आपको जो समझा रहा हूँ, अगर एक बार प्रीमियम एक्स्ट्रा देने के बाद कंपनी ने डिनाई कर दिया तो नॉर्मल पॉलिसी भी नहीं मिलेगी, पूरा पैसा फिर रिफंड ही होगा, तो ये ऑप्शन लेते वक्त थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है सर, इसमें तो स्टार्ट में ही होगा ना, पॉलिसी लेने के साथ ही होगा ना? हाँ सर, पॉलिसी लेने के साथ ही होगा, जिसमें तो बाद में नहीं हो सकता, सेकंड ईयर से नहीं लागू हो सकता। नहीं सर, सेकंड ईयर से नहीं हो सकता, वही है, फर्स्ट टाइम पॉलिसी ले रहे हैं उसी टाइम होगा और पोर्टेबिलिटी में नहीं होगा। कोई पोर्टेबिलिटी में आना चाहे इस ऑप्शन में तो नहीं होगा, ओनली फ्रेश केस में ही एप्लीकेबल होगा। उसी टाइम करना है, स्टार्ट में ही उसी टाइम स्टार्ट करते वक्त, वो भी अगर एक डिसीज है और नॉर्मल लेवल में है, बहुत ज्यादा हायर साइड नहीं है, तो ही आप कोशिश कीजिए इस ऑप्शन को बताने का, अदरवाइज नहीं। ठीक है दो फीचर और हैं इसमें, एक बार वो और देख लेते हैं जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। सर पोर्टेबिलिटी में सर, हाँ जी बोलिए सर, कोई बोल रहे हैं बीच में? नीरज जी कुछ कह रहे हैं क्या आप? हाँ सर, ये करा था जैसे मैंने पोर्टेबिलिटी करी किसी की, 3 साल पहले पॉलिसी है किसी कंपनी से, हाँ जी, और मैंने पोर्टेबिलिटी करी तो उसकी जो डिसीज है सारी बंडे से कवर होंगी या फिर डे वन से कवर होगी? अगर 3 साल पुरानी पॉलिसी है तो यहाँ डे वन से कवर होगी, क्योंकि यहाँ पर पुरानी बीमारी 3 साल के बाद ही कवर हो जाती है। अच्छा, और जिनकी 2 साल है तो उसी हिसाब से लगेगा क्लॉज, तो 1 साल वेटिंग पीरियड और लगेगा उनका। ठीक है सर, यही पूछ रहा था। अच्छा ठीक है सर, एक और बात कर लेते हैं कोपेमेंट को लेके। कोपेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है सर, अगर कोई पर्सन 61 की एज से पॉलिसी को में एंटर करता है, 61 से लेके 65 की एज में, तो इस पॉलिसी के अंदर 10% कोपेमेंट लगेगा, 60 साल तक कोई भी कोपेमेंट नहीं है। अगर किसी ने 55 में पॉलिसी ले ली है, 60 में ले ली है, 25 में ले ली है, 35 में ले ली है, तो वो कितनी भी एज तक लाइफ लॉन्ग पॉलिसी चलेगी तो कोई कोपेमेंट नहीं लगेगा, 100% कैशलेस रहेगा। लेकिन कोई पर्सन 61 की एज में, 64 की एज में, 65 की एज में हमारे साथ नई पॉलिसी लेता है तो 90% ही कैशलेस होगा, 10% उसको खुद बेयर करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड कोपे, शेयरिंग ऑफ क्लेम। जब भी कोई शेयरिंग ऑफ क्लेम होता है तो उसको हम कोपेमेंट बोलते हैं, कोपे बोलते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट टैक्स बेनिफिट की बात कर रहे हैं तो 80D के अंदर टैक्स बेनिफिट होता है एज पर इनकम टैक्स, जो भी आपका प्रीमियम है वो कवर्ड होगा हमारी पॉलिसी में। पॉलिसी एक्सक्लूजन ये जरूर समझ लीजिए, कुछ दो एक्सक्लूजन तीन एक्सक्लूजन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने सबसे पहले बताया आपको। फर्स्ट 30 डेज जब भी आप कोई नई पॉलिसी लेते हैं तो पहले 30 दिन पॉलिसी में कोई भी ट्रीटमेंट कवर नहीं होता, कोरोना 15 दिन के बाद कवर होता है, और पहले 2 साल कुछ चीजों के लिए वेटिंग पीरियड है। स्पेसिफिक डिसीज होती है जैसे कि स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल्स, गाइनी इश्यूज, जॉइंट रिप्लेसमेंट, इसके भी लिस्ट भी आएगी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो पहले 2 साल तक कवर नहीं होती हैं। हमारे यहाँ भी नहीं कवर होती, बाकी कंपनियों में भी नहीं होती हैं। और कुछ पुरानी बीमारियां होती हैं जिसके लिए कस्टमर सामने से बोलता है मुझे बीपी है या मुझे शुगर है या मुझे अस्थमा है, जिसकी वो रेगुलर मेडिसिन ले रहे हैं, तो वो बीमारी 3 साल के बाद हमारी पॉलिसी में कवर होती है। अब आपको उन बीमारियों के नाम दिखा देता हूँ, आप चाहे तो कुछ याद कर लीजिए बीमारियों के नाम। ये पहले 2 साल वाली बीमारियां हैं, कैटरेक्ट, हर्निया, मैंने कुछ 6-7 बीमारियों के नाम याद कर रखे हैं, लेकिन ये सारी चीजें हैं जो पहले 2 साल के अंदर आती हैं। तो फोटो खींच सकते हैं आप लोग अपनी याददाश्त के लिए, और ये वाली अगर PPT किसी को चाहिए तो वो भी हम लोग शेयर कर सकते हैं। बस रिक्वेस्ट है इस PPTs को कस्टमर के साथ भेजना नहीं है, और नॉर्मल व्हाट्सएप पे शेयरिंग नहीं करनी, फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया पे शेयरिंग नहीं करनी है। कस्टमर के साथ डिस्कस कर सकते हैं, समझा सकते हैं उसको, प्लान वगैरह सब कुछ बता सकते हैं। वैसे नॉर्मल सोशल मीडिया में भेजने के लिए ये PPT आपने नहीं यूज करनी है। नेक्स्ट, ये सारी दो साल वाले एक्सक्लूजन है। पहले 2 साल तक अगर इन डिसीज के लिए कोई भी क्लेम आएगा किसी भी कंपनी के अंदर कवर नहीं होता है। ये हमारे परमानेंट एक्सक्लूजन है, इन चीजों को भी आप समझ लीजिए, क्योंकि जो आप पॉलिसी बेच रहे हैं ये नॉर्मल पॉलिसी है। इसके अंदर किसी भी तरह के अगर किसी पर्सन को पहले से कोई क्रॉनिकल डिसीज है, किसी को कैंसर है, किसी को सेक्सुअली कोई ट्रांसमिटेड HIV है, डिसेबिलिटी है बहुत ज़्यादा, कोई प्रॉब्लमेटिक बाइबर डिसीज है, तो इस पॉलिसी के अंदर कवर नहीं होगा। न्यूरो डिसीज है किसी को, हम उनको पॉलिसी नहीं दे सकते। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जिसको भी बड़ी और क्रिटिकल डिसीज ऑलरेडी है आज की डेट में उनको हम पॉलिसी नहीं दे सकते हैं। दैट इज परमानेंट एक्सक्लूजन्स। इसकी भी कुछ लिस्ट है, वो भी देख लीजिए। ये सारे वो नाम हैं जो परमानेंट डिसीज के अंदर आते हैं, उनको पॉलिसी नहीं दे सकते हैं हम लोग। ये नॉर्मली क्लेम प्रोसेस है, इसके लिए हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे कि क्लेम प्रोसेस कैसे डिले कैसे होता है, कैशलेस कैसे होता है, और रीइंबर्समेंट ऑप्शन कैसे होता है। पहले अब यहाँ तक मैं इसको क्लोज करता हूँ PPTs को, और अब हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। 12 लोग अभी हम लोग हैं। पहले ये बताइए, अभी तक जो प्लान हमने एक्सप्लेन किया आप लोगों को समझ में आया, या कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ में आई एक बार बताइए। प्लान समझ में आया, इन सिंबल्स को यूज कर सकते हैं, जिनको नहीं आया वो अपने आप को अनम्यूट करके स्पेसिफिक पॉइंट को डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हाँ सर ये चीज मुझे नहीं समझ में आई, तो उसको हम दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं। सभी को क्लियर है? JS जी, विश्नोई जी, आशुतोष जी, राकेश जी, गजानंद जी, संतोष जी, नगीन जी, ओके, थैंक यू सो मच सर। ये एक मेरे लिए अप्रिसिएशन है कि मैं आप लोगों को चीजें समझा पा रहा हूँ, और जो आपको कभी मार्केट में इससे दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप ये चीजें आपने अच्छे से समझ ली तो आप अच्छे से समझा भी पाएंगे अच्छे से। अब इसका नेक्स्ट स्टेप है प्रीमियम कैसे देखते हैं। प्रीमियम देखना और शुरू कर लीजिए सर। प्रीमियम के लिए मैंने आप लोगों को रेट चार्ट भेजा हुआ है, एक CHI रेट चार्ट करके होगा, उसको एक बार खोल लीजिए जल्दी से। न्यू CHI प्रीमियम चार्ट, इसमें 1 साल का प्रीमियम भी लिखा होगा और 2 साल का भी लिखा होगा, क्लियरली मेंशन होगा। पहले हम लोग फैमिली के ऊपर बात कर लेते हैं। फैमिली में लिखा होगा 1A+1C, 1A+2C, 1A+3C, 2A। तो 1A का मतलब है 1 adult और 1C का मतलब है 1 child, ठीक है। 2A+1C का मतलब है 2 adult+1 child, 2A+3C का मतलब है 2 adult+3 child। मैं पहले वाले पेज पे ही बात करता हूँ। सबसे पहले मान लीजिए कोई पर्सन है जिसकी एज 28 इयर्स है, हस्बैंड वाइफ है, और उनको 10 लाख का प्रीमियम बताना है, तो चेक कर सकते हैं कितना प्रीमियम आएगा। कुछ बंदे चेक कर सकते हैं 2 adults 28 इयर्स एज, 10 लाख का प्रीमियम। चौथा कॉलम है 2A का, 3 months से 30 वाले कॉलम में देखिए, वेरी गुड। 18,361
वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया संतोष जी, बहुत बढ़िया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रीमियम चार्ट भी आपने एग्जैक्टली सही देखा है। एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है जो मैं हमेशा अपनी सारी मीटिंग्स में बोलता हूँ कि जब भी हम प्रीमियम बताएंगे ना दो बारी में बताएंगे, क्योंकि ज्यादातर कॉल्स हमारी फोन पे होती है, और एक बार हिंदी में बताएंगे और एक बार फिगर्स में बताएंगे। इंग्लिश में बताएंगे तो फिगर्स में बताएंगे 18,756 ना बोल के 18756 बोलेंगे अगर प्रीमियम आ रहा है, सॉरी 18,361 प्रीमियम आ रहा है तो 18361 बताएंगे और 18,361 बताएंगे। तो क्या होगा, आपका कस्टमर कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा कि आपने प्रीमियम पहले कुछ और बताया था, आप कुछ और बता रहे हो। ये एक टेक्निकलिटीज है, क्योंकि बहुत सारे केसेस फोन पे और मीटिंग में इसीलिए खराब हो जाते हैं कि जब 18 बोल रहे हो तो हो सकता है उसको 17 सुनाई दे रहा है, उसको 16 सुनाई दे रहा है, लेकिन जब तक आप उसको रिपीट नहीं करते जब तक क्लियरिटी नहीं आती है। तो प्रीमियम हमेशा दो बारी में बताना है, एक बारी में फिगर्स में और दूसरी बारी में हिंदी में, जैसे भी आप कन्वे करना चाहें, इट्स अप टू यू। अगर कोई हस्बैंड वाइफ दो बच्चे की पॉलिसी लेना चाहता है और 7.5 लाख का प्रीमियम है 35 ईयर्स की एज पे, कितना प्रीमियम आएगा हस्बैंड वाइफ और दो बच्चे? 7.5 लाख का प्रीमियम 21,806 सर। वेरी करेक्ट, 21,806। सब देख पा रहे हैं, इसमें कुछ भी जीएसटी वगैरह कुछ जोड़ना नहीं है, सब कुछ इनबिल्ट है इसमें। और यही प्रीमियम अगर 2 साल के लिए लेना होगा तो कितना प्रीमियम आएगा? सेकंड पेज पे जाएंगे तो 2 साल का प्रीमियम भी आपको मिलेगा 42,156। 2 adult 2 child 7.5 लाख 42,156। देखिए आप कैलकुलेट करिए, अभी प्रीमियम आ रहा था 2+2 का 21,806, करीबन 22,000 रुपये का प्रीमियम है, तो 2 साल का वैसे 44,000 रुपये बनता है अप्रोक्सीमेटली, और यहाँ पर 42,000 कुछ का प्रीमियम आ रहा है, तो कंपनी ने ऑटोमेटिकली कुछ डिस्काउंट दिया हुआ है। वो परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करने में थोड़ी टफनेस आएगी, 4% है, 5% है या 6% है, लेकिन अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेटेड प्रीमियम आपको मिलेगा। कोई 1 adult 2 child की पॉलिसी है, ऐसा भी कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई सिंगल पेरेंट मिल जाता है, हस्बैंड हो सकता है या कई बार वाइफ हो सकती है, उसके साथ बच्चे हो सकते हैं, तो 1 adult + 2 child है और उसकी एज 47 ईयर है और 5 लाख का प्रीमियम बताना हो तो कितना प्रीमियम आएगा 1 साल के लिए? 22,986 सर। वेरी करेक्ट सर, बहुत बढ़िया राकेश जी, बिल्कुल सही बताया। बाकी और देख पा रहे हैं, नगीन जी, जयेश पटेल जी, संतोष जी, नीरज जी? यस सर। ठीक है, प्रीमियम में कोई दिक्कत तो नहीं है, सही बता रहे हैं राकेश जी, 22,986 रुपए। अब एक इंडिविजुअल के लिए बता दीजिए, अगर किसी की एज 52 ईयर्स है, 52 साल है और 10 लाख का प्रीमियम बताना हो तो कितना प्रीमियम आएगा? इंडिविजुअल 52 ईयर्स 26,426। वेरी करेक्ट सर। और अगर किसी की एज 22 साल है और 5 लाख का प्रीमियम बताना हो तो 8,278। कोई मुश्किल तो नहीं है किसी को? एनीबडी? संतोष जी, जयेश जी, पंकज जी, गजानन जी, प्रीमियम देखना कोई मुश्किल तो नहीं है आपको? सबको रेड चार्ट मिला है ना? हाँ, मिला जी सर। अगर यही 2 साल के लिए निकालना होगा तो 22 साल की एज, 2 साल का प्रीमियम 15,983। तो सब कुछ आपके सामने है, बस आपको प्रीमियम बताने में गलती नहीं करनी है, इसका आपने बहुत बेसिक ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने प्रीमियम ही गलत बता दिया तो वो आपसे कभी भी क्लोज नहीं होगा। फीचर्स एक बार को आगे पीछे बता दो, मैनेज हो जाएगा, लेकिन प्रीमियम गलत बताया तो टॉलरेट नहीं होगा, वो कस्टमर आपसे कंटिन्यू नहीं करेगा, खासकर जब आप पहले कम बता दो और बाद में ज्यादा बताओ, वो आपसे नहीं लेगा, वो कहेगा इनको कुछ गड़बड़ है, इनको भी आता नहीं है। तो आपको कॉन्फिडेंस रखना है, अपना कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए कस्टमर के सामने, खासकर वो कॉन्फिडेंस रहेगा ना तो आराम से पॉलिसी आप बेच पाएंगे, और कोई मुश्किल वाला काम नहीं है सर। LIC में आप बिलीव करिए, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, LIC का प्लान बहुत डिटेल में बहुत ज्यादा बार आपको इमोशनली और कई सारी तरीके से बेचना पड़ता है, समझाना पड़ता है, लेकिन जब आप हेल्थ इंश्योरेंस बेचेंगे यहाँ पर लोग सामने से पूछेंगे रूम कौन सा मिलता है, पहले बात के खर्चे कवर होंगे कि नहीं होंगे, मेरी ये बीमारी कवर होगी या नहीं होगी, 4-5 चीजें आपको अच्छे से बतानी अगर आ गई
तो आप फटाफट ऐसे पॉलिसी सेल हो जाएगी। हेलो जी, बोलिए नगीन जी। हाँ सर, आप जैसे प्रीमियम की बात कर रहे हैं सर, तो आपने जो चार्ट जो सेंड किया वहां से देखा ना सर? हाँ सर, हमेशा यहीं से देखना है। तो उस प्रीम जो आप मैंने प्रिंटर निकालना पड़ेगा, ऐसे तो दिख नहीं रहा फोन में, कैसे देखेंगे? इसका प्रिंट आउट भी मिलेगा सर आपको। अच्छा अच्छा अच्छा। और सेकंडली बात सर, इसका जैसे हम मैं LIC का करता हूँ सर काम ना। हाँ हाँ। हमारा एक प्रीमियम कैलकुलेटर होता है। हाँ सर। तो इसमें नहीं आपके ऑप्शन ही सर ऐसे प्रीमियम कैलकुलेटर की? है सर, वो थोड़ा सा अलग है। दो दो ऐप है हमारे पास, एक है आपका स्टार एटम जिसमें आप पॉलिसी भी बना सकते हैं अपने मोबाइल से और पेमेंट भी भेज सकते हैं। दूसरा है हमारा स्टार पावर जिसमें सिर्फ आप प्रीमियम चेक कर सकते हैं। अच्छा, हो जाता है सर प्रीमियम ना? उसमें हो जाता है, जितनी देर में आप वहां से चेक करेंगे ना उससे कहीं जल्दी आप अपने व्हाट्सएप से ही खोल के चेक कर सकते हैं। जो मैंने आपको चार्ट भेजे हैं इसमें ज्यादा देखना आसान है। जी सर, जी जी। बस आपको प्लान डिसाइड करना पड़ेगा कि प्लान कौन सा देना है, उसके अकॉर्डिंग उसका रेट चार्ट खोलते ही फटाफट दिख जाता है सर। और जैसे आप LIC के पेपर्स रखते हैं, रेट चार्ट या कोई फॉर्म्स वगैरह रखते हैं, ऐसे ही हम लोग भी आपको कोरियर भेजे हुए हैं, आपके पास पहुंचने वाला होगा आपका पैकेट, जिसमें आपके रेट चार्ट के प्रिंट आउट्स होंगे और आपके सारे फॉर्म्स और ब्रोशर्स होंगे। ठीक है सर, ठीक है। तो वो आपको सब कुछ रेडी अवेलेबल डॉक्यूमेंट मिलेंगे प्रॉपरली। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, आप ऐप से ज्यादा बेटर है इस व्हाट्सएप के थ्रू जो ये मैंने रेट चार्ट भेजे हैं इससे देखेंगे तो इसको छोटा बड़ा करके आप विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। इवन कस्टमर को भी भेजना चाहें तो भेज सकते हैं ताकि उसको दिखा सके कि जी प्रीमियम यही है, सामने जो मैं बता रहा हूँ यही प्रीमियम लगेगा, तो थोड़ा सा ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। और कुछ नहीं सर, आप बताइए सर प्लान में किसी को कोई डाउट, कोई ऐसी क्वेरी, कोई भी ऐसी चीज जो आपको नहीं समझ में आई, अगेन आपके पास ऑप्शन है द बॉल इज इन योर कोर्ट कि आप मुझे बताएं कि मेरी ये चीज क्लियर नहीं हुई है तो हम लोग उस पर दोबारा बात कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? पंकज जी कुछ बोल रहे हैं बताइए। हाँ सर, एक पूछना था सर, ये OPD जो कवर है अपना। हाँ सर। OPD जो रीइंबर्समेंट जो मिलेगा वो खाली डॉक्टर का कंसल्टेशन फी मिलेगी ना खाली? उसमें तीन चीजें मिलती है सर, डॉक्टर की कंसल्टेशन और आपका दवाइयों का खर्चा। कंसल्टेशन फी के लिए सर इसका डॉक्टर का रिसिप्ट लगेगा ना? हाँ, डॉक्टर का रिसिप्ट लगेगा और डॉक्टर का पेमेंट रिसिप्ट होना चाहिए। खाली पेपर होने से काम नहीं चलेगा, या तो वो आपका रिसिप्ट देगा अमाउंट की जो भी वो आपसे चार्ज कर रहा है, या उसका बिल देगा आपको, प्रॉपर बिल चाहिए, या स्टैम्प करा हुआ लेटर हेड पे भी लिख के देता है तब भी चलेगा, अपनी मोहर मार के वो देता है तो वो भी चलेगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके, वेरी गुड सर। तो एक हमने मैसेज में डाल के लिखा था, कुछ लोग पुराने हैं वो तो जानते हैं अच्छे से, जो लोग नए हैं उन सभी से बोलूंगा एक ऐप है, जरा इसको अपने मोबाइल में ही डाउनलोड कर लीजिए। ऐप नहीं है, सीधा सीधा quizmy.com। जो लोग पुराने हैं वो भी चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं, जो लोग नए हैं वो तो जरूर करिए ही करिए। quizmy.com एक अपने मोबाइल में खोल लीजिए। क्या क्या कौन सी सर? QUIZ, मैं व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ आपको लिख के। हाँ। जो भी हमने सीखा है इसको आप उसमें थोड़ा सा कर लेंगे तो और अच्छे से हो जाएगा। joinmyquiz.com करके आप लिख लीजिए। जी सर, कोड लिखिए आप लोग, एक मिनट सर। आवाज आ रही है सर? आ गया सर, आ गया। मेरा क्वेश्चन ये था कि मैटरनिटी जो कवर है इसमें। हाँ। तो अगर किसी को पहला बच्चा होता है और वो आपसे अपनी पॉलिसी में आता है, ठीक है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा सेकंड बेबी के लिए? दो साल के बाद सर, एक पॉलिसी में दो साल आप डिलीवरी कवर कर सकते हैं एवरी टू इयर्स में। हाँ, ऐसा है क्या? ऐसा है सर। ओके ओके। यंगस्टार में तीन साल की बात है? यंगस्टार में 3 साल है, वहां पर लिमिट 30,000 की है, यहाँ पर लिमिट ज्यादा है सर। वहां से अमाउंट भी ज्यादा यूज कर सकते हैं और यहाँ पे आपका न्यू बॉर्न बेबी भी कवर्ड है पॉलिसी के अंदर, जो कि अपने आप में बहुत यूजफुल है। वो न्यू बॉर्न बेबी जो है वो आफ्टर 16 डेज के बाद है या पहले दिन से है? सर पहले दिन से है सर। ओके ओके, पहले दिन से है, ये बेस्ट पार्ट है उसमें। ओके। और आप सभी ने खोल लिया है क्या? तो मैंने लिंक भेजा है आप सभी को, उसमें एक बार क्लिक कर लीजिए और प्लान का नाम है स्टार कॉम्प्रिहेंसिव। जो भी हमने सीखा है इसका एक छोटा सा लाइव टेस्ट है, तो
तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग इसको लाइवली खेलें, स्टार्ट करें, जो भी आपने सीखा है वो एक अच्छे से याद हो जाएगा सर आप लोगों को, ये मेरी गारंटी है।